गुड मॉर्निंग एवरीवन। लिसन बच्चे, पेपर डिस्कस आपा कर ले सी कल। आज आपा बहुत अच्छा करांगे। पहला थानू 1 टू 75 सी फोन अगोरी आपा सारे ही करने ने, ठीक है? फॉर टर्म 1 क्लियर है। सो 76 है टोर। अपनी जड़ी पुरानी बुक है ओनो भी देखी जायो। कुछ एक्स्ट्रा होएगा तो मैं दस दियो, कोई मीनिंग एक्स्ट्रा होएगा वो भी दस दियो, ठीक है? तोर, राइट? तोर दा मतलब चाल। एक आपा कह रहे हैं कि ओदी तोर बहुत ज्यादा स्लो है या ओदी तोर बहुत ज्यादा सोनी है, ओदी तोर बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है? एक तोर विदा करना, तोर देना, ठीक है? कि जिस तरह बेटी दा ब्याह है, पिता ने तोर दिता, ठीक है? गेस्ट आंदे आ, आपा परौणियां नूं तोर दिंदे आ, ठीक है? सो विदा करना। दो ही ने, अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा आंदा है, अगर बुक च किसी से लिखा है तो मैं दस दई हूं, ठीक है? सो तोर दा चाल ते विदा करना है एक्स्ट्रा, ओके। नेक्स्ट है टर्म। तर मतलब तैरना, स्विम करना, वो नदी विच तर सकता है, पास होना, ओके। कई बार कह रहे ना पेपर विच तर गया, मतलब पास हो गया। होर तर, एक खान वाला नहीं हुंदा जिहनूं आपां सैलड विच खाने आ, तर ग्रीन कलर दी हुंदी है, ठीक है? लंबी जी हुंदी है। एक फल, इत्थे फल लिखा होया है बट उहनूं आपां सैलड विच खाने आ, ठीक है? सो तर दा मतलब है तरना, पास होना, ताज़ा करना, दिमाग नूं तर करो। कई बार आपां बोलदे आ तुहाडा दिमाग थोड़ा उहनूं तर कर लो, ठीक है? एक फल, एक तर हुंदा आ थोड़ा जिहा गिला करना। जिस तरह कई बार आपां बनांदे मकान बनांदे आ ना, जिहड़ा सीमेंट वगैरह हुंदा उहनूं पाणी चाहीदा हुंदा तां ही उह पक्का हुंदा ना, फिर आपां बोलदे आ कि इट्टां जिहड़ियां ने जां सीमेंट जिहड़ा उहनूं तर कर लो, ठीक है? उहदे विच गिला, गिल्लियां लिख लो। तरना, पास होना, ताजा करना, एक फालियां गिल्लियां करना, ठीक है? या गिल्ला करना कुछ भी। नेक्स्ट है तप। तप का एक मतलब क्या होता? तपस्या, ठीक है? महात्मा जी ने बहुत तप किया। होर तप, तपना, गुस्सा भी होता, ओके। थोड़े इतने किन्ने लिखे ने? तीन, हाँ सारे सही है। एक इतने बंदगी है, बंदगी की जगह से तुम तपस्या भी लिख सकते हो, ठीक है? एमसीक्यूज में आ गए उत्थे बंदगी, तो उन्होंने भी थोड़ा ध्यान च रख लियो। एक तप हुंदा है तपस्या, एक गर्मी के कंधा बहुत सारा तप रही ने गर्मी करके, वो हीट चढ़दियाँ ना उन्होंने आप कहने। एक तप मतलब गुस्सा, कि उन्होंने किसे करके बहुत सारा तप चढ़िया हुआ, बहुत ज्यादा वो गुस्से विच है, ठीक है? तपस्या दे स्पेलिंग, तपस्या, गुस्सा, गरम, ठीक है? नेक्स्ट तंग। तंग हाँ जी, टाइट, पीड़ा। और पैसे की तंगी। एक होंदा तंग परेशान करना, माता पिता नूं बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, ठीक है? एक होंदा है कि मेरा हाथ तंग हो गया, मतलब उन्हों पैसे तेले की कमी आ गई। एक तंग मतलब पीड़ा, छोटा, कि गली बहुत ज्यादा तंग है, ठीक है? नेक्स्ट तार। बिजली दी तार, तार मतलब तार, भावे वह बिजली दी तार है, कपड़े सुकाउण वाली तार है, कोई भी तार, ठीक है? हाँ, चिट्ठी, चिट्ठी नूं भी आपां तार बोलदे सी पहला पहला, चिट्ठी तार आई हुई है। और तार, संसार नूं तार दिता, गुरु नानक देव जी ने संसार नूं तार दिता, ठीक है? वो भी आ सकता है। होर तार, मैं बिजली का बिल तार दिता,
पानी का बिल, बिल तो बिल ही है, भावे बिजली का हो, भावे कोई भी हो, भावे खाने पीने का हो, बिल तो बिल ही है। ठीक है, एक है बेटा तारना, इनू तुसी बिजली का बिल, खाने का, पीने का, जो भी है विच लिख लो तारना, तार दिता, पे कर दिता। ठीक है, बिरती, पर भगतां दी तार परमात्मा नाल जुड़ी हुई है, आपां कहने ना परमात्मा दे नाल अपनी तार जोड़ के रखो, बिरती। ठीक है, ओदे नाल लगन रखो। फिर बिजली राही भेजी खबर, तार राही खबरां भेजणियां बंद कर दित्तियां ने। तार मतलब वही चिट्ठी पत्र नूं ही कह रहे ने आपां। एक तार है धात दी तार, जिस तरह तांबे दी तार हो गई। ठीक है, एक ते तुसी अलग अलग नहीं लिख देना, बिजली दी तार, कपड़े सुखाउण वाली तार, इन्नी इन्नी तारा नहीं लिखनी आपां, एमसीक्यूज है। इतने आके तुसी थोड़ा जा शांत हो जाते हो कि एमसीक्यूज ही है। एमसीक्यूज विच भी तो गलतियां कीतियां तुसी बहुत थक विच। बेटा हल्ले हल्ले तो चलो इजी है, पर टर्म वन विच यू नेवर नो कि किन्ना को टफ आ जाए। ठीक है ना, की पता सौखा भी आ जाए, थोड़ी किस्मत। जे थोड़ी किस्मत चंगी हुई फिर तो तुसी तर जाओगे, जे किस्मत ना चंगी हुई फिर तुसी। ठीक है, हुण इत्थे तर आ गया ना। अगे है दारू, हां जी नशा नशा। ठीक है, दवाई, कई बारी आई ड्रॉप्स होंदे ने ना, उहनां नूं कई बारी कह रहे ने दारू पा लिया अखां विच, उहनूं भी कह रहे आ। नहीं सीरियसली छायां कास्ट है, बोलदे आ। इहनूं तुसीं इलाज लिख लो, हर बीमारी दा दारू नाल ही ठीक, हर बीमारी दारू नाल ही ठीक हुंदी है। फिर बारूद है ना, ओ जड़े होंगे नी, ओ बंब वगैरह, दारू इन्ने सारे उन्हें इकट्ठे किए, बारूद नू आपा बोल देने आ। दारू जड़े वेपन्स वगैरह उन्होंने रखे होंगे अपने कोल। हाँ फिर नशा, शराब बहुत हानिकारक होंगी है। एक दवाई आ देखो आ गया, उही वाला ही, दुख दी अख विच दारू पाओ ठीक हो जाएगी। एक दारू अलग है इलाज है, एक दारू है दवाई, पीने वाली नहीं अखां च पाण वाली, उन्हों भी दारू ही बोलते हैं। और तो मैं पहला कह के हटी हाँ, आई ड्रॉप्स नू बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है तक्का, तक्का मारना, किसी ने पुश कर देना, तक्का करना की हुंदा है, एमी किसी ने फोर्स करी जाना, किसी ने तक्का करी जाना, और तक्का, हाँ जी, माड़ा करना। एथे है डेगना, कोही अन्या नहीं, अन्या डेगना के बच्चे ने मेनू धक्का मार दिता, मेनू डिगा दिता। ठीक है, एक अन्याय मतलब आप कह रहे ना, कई बार गरीब दे नाल बहुत धक्का हुंदा, सरकार बहुत ज्यादा धक्का करती है, उन्होंने आप कहने इनजस्टिस, अन्याय। ठीक है, अन्या नहीं बोलते उन्होंने। अगे सदमा, कई बारी कोई ऐदा दी गल हो जाती है, कुछ ऐदा दी मिस हैपनिंग हो जाती है, सानू बहुत ज्यादा धक्का लगता है, सदमा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस विच चले जाते हैं। ठीक है, सो डेगना, अन्याय और सदमा। क्लियर, नेक्स्ट दौरा। ठीक है, दिल का दौरा, दौरा मीन्स दौरा, दिल का हो गया, मिर्गी का हो गया, दौरा मीन्स दौरा। और दौरा, हाँ यात्रा करनी ना, जिस तरह कई बार कह नहीं देंगे कि मेरी अज अमेरिका में जाना, अमेरिका का दौरा है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। ठीक है, दौरा डबल करना, वो तो दोहरा होंगे, हाहे दे नाल होंगे, दौरा, हार्ट अटैक, बर्तन। एक है यात्रा, के नेता ने जितन मगरों,
सो हाउ मेनी आर ऑनलाइन 13 13 इनको मैं मान म्यूट कर दो जो ऑनलाइन वाले यस बेटा अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो एम आई ऑडिबल यस कम ऑन अनम्यूट बेटा आई होप दे आर नॉट एबल टू डू सो लिसन बच्चे 10th है अनम्यूट योरसेल्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप इनको रैंडमली कर दो रूटीन यस बेटा सो आई एम हियर टू let you know that on 12th of November, okay? On 12th of November, one All India level survey is going to be conducted. Are you aware about that? Are you aware about that? Yes, online students, am I audible? Yes, ma'am. Okay, right. Okay, good morning to all. Yes, so what that exam is NAS 2021, okay? You don't know about this? I knew. So N stands for national, okay? A stands for achievement, okay? And S stands for survey. So one survey is conducted all India level and all schools are part of that. Otherwise, this is conducted every 2 or 3 years, but the private schools, they were not a part of that. This year, the private schools are also part of that. So you are also to appear in that, okay? And in this survey, they're going to assess your understanding, achievements, okay? Your weaknesses, your strengths, they're going to check that. And that will be objective type test. 47 questions total will be there, okay? Language, aapki language English hogi. Languages hai waise, languages mein jis school mein jo language hai. Aapka to medium of instruction, your medium of instruction is English. So your will be the English language, okay? English, then Maths, Social Study, and Science. In these 4 subjects, the test will be there, right? On that day, random selection of schools will be there. Random selection of students will be there. From the random selection of class will be there, section and student. On that day, each and every one of you are supposed to be present in the school. Am I clear? Right? Everyone, attendance is must. It is compulsory for all to appear to come in the school on that day. Okay? So, you have to prepare for that too. That test will not be of a simple type of question, direct type of question won't be there. Basically, 2 type of the question will be there. Understanding type of the question and your knowledge-based question. Okay? Application-based question. Not a direct knowledge base. What do you know about that? Are you able to apply that in the different situations? Such type of the questions will be there. Okay? Right? Followed? So direct question nahi honge. So you will be given graphs, you will be given case studies, you can be given any data, okay? You can be given charts or any like that. So in this way, you have to analyze the things. Jo bhi aapko milega, you have to analyze, and a few questions will be there following that data or following that case study, and you need to answer those questions. Okay, follow? And 2 category of questions will be there in each subject. In the paper. One is the academic questions and non-academic. Academic honge, what you study in different subjects. Okay. 10th class also, the teachers will let you know that what is the syllabus for that. जो आपने पढ़ा है ये वाला भी, maybe अभी जो आगे आने वाला उसमें भी एक आधा chapter हो, ठीक है, right? Or what you have studied in 9th also. 9th is also a part of that. Clear? So, 2 type of academic and non-academic. Academic, your scholastic basis, ठीक है, subject based. And non-academic related to you, your family, school, your country, your state. Related to those, that will be non-academic questions, okay, right? So otherwise this is not, no special syllabus for that is aise, ye nahi hai ki yahi cheez hai, ye wale topic hi aayenge, not like that, okay? So just random
on an whole, the some of the topics will be given in each of the subject to you, and you have to prepare for that. Okay, and you are going to take it very seriously because this is a survey, and on this, on the basis of that, each and every school, state, because all India level this exam is there, state is going to be analyzed, school is going to be analyzed, and each student is going to be analyzed. Okay, performance of each and everyone will come out clearly. So we have to make our state as well as our school at the top of that. Yeah, because we'll come to know, they will send us the result of that. कि क्या है आपके स्कूल का आउटकम, क्या रिजल्ट है आपका, ठीक है? So whatever the instructions are given to you, you have to do accordingly. And hopefully tomorrow you will get one test also. That will be your, because earlier you were busy in the exams. So one practice test will be given to you of 10 questions in each of the subjects. Okay, at 2 p.m. the link will be shared with you in the Google form, and you do it at your home, at your convenience. Okay, right? Followed? Any doubt? Koi doubt hai? No doubt related to the subjects. No doubt related to that the type of the question, date. On which date it's going to be held? 12th of November. Okay, and before that, mock test will also be there. Practice test will also be there in the month of October. So accordingly, we'll let you know time to time. Okay, so maybe that on 4th of October, maybe school is selected. So you may have to, but teachers, your teachers on the school level will give you the practice for that. Clear? Have you followed? Any doubt? If you have any doubt, you can ask me. No doubt. Very good. Online student Peter, do you have any doubt? Yes, Nana. No, ma'am. No. Okay. And Japjot Singh, Peter, unmute yourself. Japjot. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Ah, good morning. Very good, Peter. Any doubt? No, ma'am. No. Okay. So you have to prepare for that. Okay. So wish you all the best. Okay, Peter. Thank you. Okay. Next, beta. Next. Dora, ठीक है? दौरा मीन्स यात्रा, ओके, कि किसी देश की यात्रा करना, ठीक है? जिस तरह कोई नेता वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह जाते रहते हैं, ठीक है? एक प्रवाह होता है, ठीक है? प्रवाह एक होता है, वो क्या होता है? किसी की प्रवाह करनी, किसी लिए आप कंसर्न होते हैं, केयर होता है, ये होता है, ये है प्रवाह, ठीक है? मतलब फ्लो, खून का प्रवाह, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਰਾਈਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ. ਇੱਕ ਹੈ ਬਰਤਨ, ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਊਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੌਰਾ, ਬਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? नेक्स्ट है तार, तार नहीं है तार, पानी दी तार, ओके, हाँ जी, दूध दी तार, पानी दी तार, चाकू, ओके, हाँ, चाकू दी तार भी पूछ सकते, गुड। लिक्विड चीजा लई तार इक्को ही, भावे वह पानी होवे तो भावे वह दूध, गऊ दी तार, ठीक है, एक जांदी है, और एक धारना, तुसी अपने मन विच कोई चीज धार ली, ठीक है, तुहाडी इच्छा, हाँ जी, लेना कित्थों हो गया, लिखे होया मीनिंग इहदा सेंटेंस बोलियो, है लेना, ठीक
ठीक है, मतलब आप कह रहे ना कि महापुरुष ने अवतार तारिया आप कहने, ठीक है। तार मीन लेना, एक दूध की तार या पानी की तार, एक हो गया पक्का इरादा मैं अपने मन में कोई चीज तार ली है कि तुसी बहुत वधिया नंबर लेने हैं 40 out of 40, ठीक है। एक तार पानी की तार, ये अलग अलग ने, इत्थे तारी लिखा होया है, ठीक है। एक तेज पासा जिहड़ा तुसी कहा है कि चाकू की तार बहुत ज्यादा तिखी होंगी है, क्लियर है। नैक्सट है नथ, नथ काबू करना ओनू, नथ एक नथ हो गया गहना, नक विच पाण वाला ओ हो गया गहना, एक नथ काबू करना, जिस आप कहने नथ पा के रखो नथ, हां जी रस्सी हो गया ओही हो गया नथ काबू करना, ठीक है। नहीं एक नथ लग गया, ओके रस्सी लिखा हुआ है कि जिस तरह जानवर नथ पा के ही काबू किया जाता है। कई बार तुम देखा कि जो मंझा गावं होंगे उन्होंने नक् के जो होल नहीं होंगे रस्सी पाई होंगी है कि भज ना जाए तो उन्होंने होल्ड किया जा सके, ठीक है। एक अलग है काबू करना, किसी मतलब कि कोई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला परसन है उन्हों नथ पा के रखो, एक नक् का गहना, ठीक है। लास्ट 86, अज आप सिर्फ 10 ही करने ने। नाल, नाल होना बिल्कुल, मैं थोड़े नाल हाँ या परमात्मा हमेशा साढ़े नाल है, नाल मेल ओही नाल होना, ठीक है मेल होना, ओके। एक नली द्वारा दवाई नाल होंगी, एक ना लाइक पाइप जहाँ नहीं होंगे जिस तरह स्ट्रॉ वगैरह ओदे नाल जानवर नू दवाई दिती जाती है, ठीक है उन्हों आपा करना है। एक है लोहे की नाली, छोटी जी लोहे की नाली होंगी, उसदे विच उहदी जिहड़ियां तारां तूरां नहीं होंदियां छोटियां छोटियां वह निकालियां जांदियां, या एक अजकल प्लास्टिक के पाइप चलते उहदे विच उहदी निकालियां जांदियां, ठीक है। सो नाल का की है मेल मतलब विद, और लोहे दी नली एक नाल नली जेदे नाल जानवरां नू दवाई वगैरह दिती जांदी है, ठीक है। वो जिस तरह वो नहीं हुंदे ड्रॉपर, ड्रॉपर नहीं हुंदे ड्रॉपर, वो वाली चीज है, ठीक है क्लियर है। करियर रिवाइज लास्ट वाला नाल दा नली, लोहे दी नली मेल, ठीक है। सो पहला सी तोर, ओके चाल ते विदा करना, ठीक है। वो बहुत हौली हौली तुर रहा सी, उसने अपनी धी नू विदा कर दिता, इन्हां दोनों दे विच की होएगा तोर, फिर विदा करना। पर इन्हां विच मान लो अगर इदां भी आ जावे कि उन्हां दे मीनिंग ही दित्ते जाण ते उहदा जिहड़ा बहु अर्थक है तुसीं उह वाला लभना होवे करैक्ट वाला, फिर उह की होएगा तोर। नैक्सट है तर, तरना पास होना, गिल्लियां उही गिला कंध नू तर कर दो, ताजा करना पास या सफल होना ते तरना। नेक्स्ट तप, गर्मी गुस्सा बंदगी या तपस्या, सेम चीज। तंग साहस, तंग वाक बनाओ, तंग करते हैं, ठीक है। जय दित्य, तंग पीड़ा की बनेगा इहदा, ठीक है। और तंग की बनेगा इहदा वाक,
हाँ जी महीना बहुत आ गया। ठीक है नेक्स्ट तार तारना बिरती। ठीक है बिजली राही भेजी खबर। बिरती का सेंटेंस कौन बनाएगा? बिरती बिरती उसकी परमात्मा दे नाल तार जुड़ गई। और एक होर है तांबे दी। नेक्स्ट दारू की आएगा इहदा नशा अखां च पाण वाली दवाई इलाज। ओके पारू ठीक है। अगे तक्का अन्याय तक्का करना तक्का मारना डिगना और सदमा। नेक्स्ट अन्याय दौरा यात्रा खून का दौरा बर्तन। ओके दिल का दौरा तार चाकू की तार लेना जन्म लेना पक्का इरादा नाथ काबू करना लास्ट नाल नाल मेल नली लोहे दी नली मेल। ठीक है कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा होया? इन्ने ही हां इन्ने ही अज करांगे बाकी अपा फिर करांगे। ठीक है अगर किसी नु कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो पूछ लो। ऑफलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? एक्सक्यूज मी मैम। हां जी मैम तौर का तौर तरीके नहीं हो सकता? तौर तरीका वही हो गया ना बेटा चाल तरीका तौर तरीका ते अलग हो जांदा ना।